प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल स्टेट ट्रेनिंग देने का भी काम करता है। दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह मौली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे तो रियल स्टेट एजेंट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन यदि आप इन्वेस्टर हो और आपको ये चीज़ आती है तो आप अपनी प्रॉफिट का वॉल्यूम है जो जहाँ तक मर्जी ले जा सकते हो। मैप रीडिंग एंड मैप मेकिंग ये क्या है? कहीं भी हम प्रॉपर्टी का जब भी काम कर रहे हैं तो हमारा इसके बिना गुजारा ही नहीं है। मैप आपके पास आया नहीं तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी आनी चाहिए, चाहे वो 7-12 में हो, फर्द जमाबंदी और नकल ट्रेस जिसको मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिया गया। जमाबंदी पंजाब में है, हरियाणा में है जमाबंदी, और 7-12 महाराष्ट्र में है, नकल ट्रेस राजस्थान में है। ये चीज़ों का जब हमारे पास जमाबंदी आ गई या 7-12 आ गई और साथ में उसके सर्वे नंबर का जो नक्शा है वो आ गया, उसको वहाँ पर सर्वे कहते हैं, सर्वे नंबर कहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमें उसको मिलाना आना चाहिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है ये क्या उसी मतलब वो जगह पे फॉल कर रही है जहाँ पर ये दिखाई गई है। कई बार हमें कोई प्रॉपर्टी और दिखाई जाती है लेकिन कागजों में उसकी पोजीशन और होती है। मैं जबलपुर में गया था 2007 में, तो वहाँ पर शिवराज था शायद, मेरा ख्याल उसका नाम शिवराज चौहान था, कोई नाम शिबू था उसका नाम, जब नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं। उसने हमें ले जा के ऐसी प्रॉपर्टी पर खड़ा कर दिया कि जो प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी लगती थी। तो ठीक है, हमें लगा यार ये तो प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया सस्ती है, लेकिन जब हमने उसके कागज मांगे और कागज मांग के मैंने देखा कि इसमें दोनों में फ़र्क है, तो फिर मैंने उसको कहा कि यार ये एक प्रॉपर्टी जो दिखा रहे हो ये तो इसमें आती नहीं, इसकी लोकेशन ही नहीं बनती। नहीं जी ऐसे नहीं, मैंने ऐसे क्यों नहीं आया, वो उस टाइम सफारी गाड़ी में आया था और सफारी गाड़ी के शीशे पर धूल जमी हुई थी। मैंने अपनी उंगली से वहाँ पर नक्शा बना दिया और नक्शा बना के बोला शिबू जी को कि शिबू जी आप ये मेरे को बताओ हम कहाँ खड़े हैं, तो शिबू जी के पास कोई जवाब नहीं था। तो मतलब जी यदि आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। यहीं पंजाब में 1992 में किसी फिल्म स्टार ने ज़मीन ली थी मोहाली के आसपास, और उस ज़मीन में नंबर ज़्यादा थे, दिखा और दी, और जिस दिन रजिस्ट्री हुई वो नंबर और डाल दिए। तो जब उसने क्लेम किया कि मेरे को ये नंबर नहीं, ये नहीं ये दिखाए गए थे, तब क्या हुआ, तब वो कहते जी आपने तो डांस करके पैसे कमाए हुए हैं। तो ऐसी मतलब वाहियात बात करी उन्होंने किसानों ने। तो ये इस चीज़ के बचने के लिए हमें हर एंगल से नक्शे को, फर्द को पढ़ना आना चाहिए। यदि आप डेवलपर हो तो आप किसी कोई प्लॉट लेते हो, कोई ज़मीन लेते हो, यदि आप उसको डेवलप करके हायर रेट पे बेचना चाहते हो, उसमें से अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो उसमें भी मैप मेकिंग और मैप रीडिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। 35 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली गई और उसके 3 महीने बाद प्रॉपर्टी दलाल को आता है कि ये आपको बहुत अच्छा पैसा दिलाने वाला हूँ, 45 लाख रुपए दिला दूँ तो आप मेरे को शाबाश दोगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। कहते क्यों? मैंने कहा कल आना। जब दूसरे दिन गया तो हमने उसका नक्शा बना के उसके सामने रखा और उसको पूछा कि यहाँ पर इस तरीके से हम प्रॉपर्टी बेचना चाहें बिक जाएगी? कहते बिक जाएगी। तो हमने कहा फिर ये जो 35 का 45 आप दे रहे हो, यही 35 लाख की ज़मीन 1.90 करोड़ के आसपास जा रही है, 1.80 करोड़ के आसपास जा रही है, 60,000 फिट से ज़्यादा माल बेचने के लिए मिला और 300 रुपये फिट में अपने आप मुँह से उसने कन्फेस कर लिया। तो हमने कहा भाई तू कैसे हमें सस्ती हमारी प्रॉपर्टी कैसे महंगी बेच रहा है, तू तो हमें लूटना चाहता है। तो अगले दिन 2-3-4 दिन के बाद वही आदमी 85 लाख पर आ गया सिर्फ इस करके कि हमने उसको शीशा दिखा दिया। शीशा कैसे दिखाया कि हमने उसका नक्शा बना के बता दिया कि ये नक्शा इसका इस तरीके से बनता है। आप भी यदि आपने घर बनाना है, घर का नक्शा बेस्ट बनाओ, बेचने के लिए बनाना तो और भी बेस्ट बनाना पड़ेगा।
कोटा में हमें कोई लेके गया फ्लैट बेचने हैं जी हमने, तो उसका जो नक्शा था बिल्कुल जीरो लेवल का। तो हमें जाते ही सीधे ही, हम जब दरवाज़ा खोला सीधे किचन में, किचन के साथ ही उसने वो बनाया हुआ ड्राइंग रूम बनाया हुआ। तो हमने कहा ये दरवाज़ा यदि ड्राइंग रूम में खुल जाता तो किचन में जो पर्दा होता है लेडीज़ का वो तो बड़ा रहता ना, कि हम उसमें क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। मतलब नक्शा बनाने में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ये आपने नक्शा बनाने में गलती नहीं करनी, क्योंकि ऐसा यदि आप ऐसी गलती करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। यदि आपको नक्शे देखने आते हैं, बनाने आते हैं, प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से प्रमोट करना आता है, तो आप डेफिनेटली उसमें से अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक मैं अभी आपको नक्शा दिखा रहा हूँ, ये मैंने नक्शा, हमने कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे और ये गांव लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जो ले रही है। अब ये हमें पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कलर भरे हुए इसमें, तो हमें ये कह के दिखा रहे थे कि इस प्रॉपर्टी के साथ लगती है ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल टच कर रही है भाई 200 फुट के आसपास एकड़ का फ्रंट इसको लग रहा है, जबकि ये नक्शे के मुताबिक सिर्फ 82 फुट का फ्रंट लग रहा है। तो यदि हमें ये देखना ना आए तो हम जो सामने वाला बंदा कह रहा है तो हमने उसी के ऊपर हमें यकीन करना पड़ेगा। सो दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप नक्शे बनाने सीख जाओ, नक्शे बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम अपने जो भी हम जहाँ काम करते हैं तो हम अपनी साइट का नक्शा खुद बनाते हैं। यदि आपको नक्शा बनाना आ जाता है तो आप आर्किटेक्ट के पास बैठ के अपने मर्जी से नक्शा बना सकते हो। आर्किटेक्ट उतना दिमाग आपके प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगा जितना आप लगाओगे, क्योंकि आर्किटेक्ट ने तो 10-20-50 हज़ार रुपये फीस लेनी है, उसका फीस की तरफ ध्यान है, तो आपका करोड़ों रुपए के प्रॉफिट की तरफ ध्यान है। आपकी जो एफर्ट्स हैं उसमें ज़्यादा हो जाएंगी। हमने बनूड में कोई प्रॉपर्टी ली थी और कानूंगों से हमने उसकी निशानदेही करवानी थी, निशानदेही नहीं करी, वो मेरा क्लास फेलो था केसर सिंह। तो फिर हमने रात को आके उस पर दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद जब हमने देखा कि ये इस तरीके से हो सकता है, तो हमने दूसरे दिन कानूंगों साहब को बुला के कहा कि इस तरीके से इसकी नपाई होगी। तो उसने मेरे को शाबाशी दी कि तू पहले भी मेरे से इंटेलिजेंट था, जब मेरे साथ पढ़ता था आज भी मेरे से इंटेलिजेंट है। एक आदमी कानू को पटवारी रहा हो, 15-20 साल पटवारी रहा हो, उसके बाद कानू को रहा हो, वो एक आदमी ऐसे आदमी को कह रहा है जिसने जिसको रेवेन्यू का कुछ नहीं पता मेरी जैसे को। ठीक है, मेरे को प्रैक्टिस के साथ थोड़ा पता लग गया, मेरे को नॉलेज आ गई, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज तो उनको है ना। तो फिर भी ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यदि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर डेफिनेटली आप बढ़िया काम कर सकते हो। मास्टर प्लान कैसे देखना है, मास्टर प्लान की कैटेगरी आपने कैसे करनी है, क्या क्या उसमें कलर दिए होते हैं, हमने कैसे कैसे मार्क करना है, कौन सा एकड़ उसमें पड़ रहा है, कौन कौन सा सर्वे नंबर उसमें पड़ रहा है, ये भी आपको आना चाहिए, मतलब इसको चेक करना आना चाहिए। हमने 2005-06 में कोई सरहद में काम किया था, वहाँ हमें पढ़ने में थोड़ी गलती लगी, हमारा करोड़ों रुपये का नुकसान करा उसने। तो हमने ये चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आपको मैप बनाना आ जाए और मैप पढ़ना आ जाए, मैप का मिलान करना आ जाए कागज़ों के साथ, तो फिर आप जैसा कोई भी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ डेफिनेटली आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा आपका आपके लिए बहुत ही अच्छा एक, मतलब मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी की एजुकेशन आ जाएगी आपके पास, जिससे आप दूसरे लोगों से अलग निकल जाओगे। जब आप दूसरे लोगों से अलग निकल जाओगे तो डेफिनेटली उनकी आमदन और आपकी आमदन भी अलग अलग ही होंगी। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चर्चा करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। यदि आप इस तरीके से सीखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।